हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट नंबर 6 आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 6 जो आपका थंबनेल होगा उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा। उसमें एक साइड में आपको दिया होगा U6 और एक साइड में L1, L2, L3 ऐसा आपको मिलता रहेगा। तो इस U6 या फिर आगे आएगा आपका U7 या U8, तो इसका मतलब कि यूनिट नंबर 6 है, ये यूनिट नंबर 7 होगा, यूनिट नंबर 8 होगा। तो मैंने जो आपको कमिटमेंट की है कि मैं यूनिट नंबर 6, 7, 8 दूंगा, तो L1, L2 करके लेक्चर जाएगा। L1 उसके बाद L2 उसके बाद L3 उसके बाद L4 एक सीरीज में होगा, बिल्कुल क्रम से होगा। जिसको आप पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि जो आपका ब्लड ग्रुप में पढ़ाया था, थोड़ा सा क्लियर करिएगा ध्यान से, बिल्कुल थोड़ी लंबी वीडियो होगी ये। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होता है, अगर वो डॉटर में जाता है तो कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसको पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहें इसको तो बेहतर तरीके से उसके एंटीजन एंटीबॉडीज, ठीक है, और उसके बाद उसके एलील्स ब्लड ग्रुप में आप AB, AB और O, इसको आप समझ सकते हैं। अगर मैंने बोला था कि वो चार्ट अगर आपको याद हो जाए जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज और उसके एलील्स हैं, हेटरोजाइगस होमोजाइगस, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो आपका ब्लड ग्रुप है कैसे कैसे आपको निकालना है, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप में कैसे कैसे आप निकालेंगे। एक बार आप जैसे मान के चलिए कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका क्रॉस आप ए के साथ कराएंगे, फिर ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस आप बी के साथ कराएंगे, फिर ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस आप ए बी के साथ कराएंगे, ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस आप ओ के साथ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका बी आएगा जिसका क्रॉस आप किसके साथ कराएंगे, बी के साथ कराएंगे, फिर बी का क्रॉस आप ए बी के साथ कराएंगे, फिर बी का क्रॉस आप ओ के साथ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ए बी, ठीक है ना, ए बी ए बी, इसका क्रॉस आप कराएंगे ए बी के साथ, फिर ए बी का क्रॉस आप कराएंगे ओ के साथ। उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप है जिसका क्रॉस आप कराएंगे ओ के साथ, ठीक है। आपका ये निकल गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये हो गया 10 नंबर। तो इस तरह से आपको क्रॉस कराना है। आपको एक संकेत दे दें कि इसमें कितना ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अगर आप उस चार्ट को समझते हैं बेहतर तरीके से तो आप ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें कितने ग्राफ बनेंगे। इसमें एक बार होमो हेट्रो करके बनाएंगे तो इसमें 2 ग्राफ बनेंगे, ठीक है, 2 ग्राफ इसमें बनेंगे। तीन ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है ना, इसमें 3 ग्राफ बनेगा और इसमें मूलतः 4 ग्राफ बनेंगे और इसमें मूलतः कितना, 2 ग्राफ बनेगा, इसमें भी 2 ग्राफ बनेगा, इसमें भी 3 ग्राफ बनेगा, ठीक है, और इसमें भी 2 ग्राफ बनेगा, इसमें भी 2 ग्राफ बनेगा और इसमें एक ही ग्राफ बनेगा, इसमें भी 1 ग्राफ बनेगा और इसमें भी 1 ग्राफ बनेगा। 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14, 4, 18, 3, 21 टोटल आपका ब्लड ग्रुप का 21 क्रॉस बनेगा या 21 ग्राफ बनेगा। अब आप एक एक करके समझते जाइएगा। जैसे आप लेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए है, इसका क्रॉस आपको निकालना है। तो मान के चलिए कि जैसे मेल और फीमेल, ठीक है ना, मेल हो गया फीमेल, मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो आप क्रॉस निकालेंगे अगर ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब देखिएगा ध्यान से आप कि इसका जो जीन होगा आई ए और ये भी होगा आई ए, दोनों समान है, होमोजाइगस कहलाएगा, इसका भी होगा आई ए, इसका भी होगा आई ए, इसके दोनों होमोजाइगस समान होंगे।
अब आपको करना क्या है कि इसका ग्राफ इसके साथ आपको मिलाना है, और ऐसे मिलाना बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल मिलाएंगे आप, ठीक है। चार हो गया, अब यहां पे आएगा आई ए आई ए, यहां आएगा आई ए आई ए, यहां आएगा आई ए आई ए, उसके बाद आई ए आई ए, और ये सामान्यतः आप देख रहे हैं कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए भी ए होगा। इस परिस्थिति में कि जब मेल और फीमेल दोनों होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए होते हैं तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए होगा और इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ होगा। एक परिस्थिति। दूसरी कंडीशन, इसी में आप देखेंगे दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक मेल एक फीमेल है और ये हो गया होमोजाइगस, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, लेकिन ये हो गया हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस। तो होमोजाइगस का सिद्धांत है इसके दोनों जीन समान होंगे, आई ए होगा, ये भी आई ए होगा, यहां पे आई ए होगा लेकिन यहां पे आई जीरो होगा, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आपको करना क्या है बाबू कि आपको इसको ग्राफ ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे निकल गया। अब यहां पे हो जाएगा आई ए, आई ए ब्लड ग्रुप, आई ए हो गया, फिर आई जीरो हो गया, फिर आई ए हो गया, फिर आई ए हो गया और आई जीरो। अब यहां पर देखेंगे कि ए वाला दोनों ब्लड ग्रुप ए होंगे लेकिन होमोजाइगस होंगे, तो इस कंडीशन में होने के लिए तो पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी के आधार पर देखेंगे तो इस परिस्थिति में पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा, और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। लेकिन होमोजाइगस हेटरोजाइगस के आधार पर देखेंगे आप तो टू होमो होगा, देखिए ए वाला होमो होगा और ए वाला होमो होगा, और कॉमन टू हेट्रो होगा, हेट्रो, ठीक है ना, ए वाला और ए वाला दोनों क्या होंगे, हेट्रो, ठीक है ना। अब तीसरी परिस्थिति आप देखेंगे क्रॉस की, जैसे मान लीजिए कि ये मेल है, ठीक है ना, और ये सामने फीमेल है, और ये भी क्या है, हेट्रो है, हेट्रो, और ये भी क्या है, हेट्रो है, ठीक। इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका जीन बनेगा आई ए आई जीरो, इसका बनेगा आई ए आई जीरो, ठीक है, आई ब्लड ग्रुप ए है, ठीक। अब उसके बाद इसका ग्राफ निकाल लीजिए, ग्राफ निकालिए, ठीक है, मिलाने आना चाहिए आपको। अब यहां पे हो जाएगा भैया आई ए आई ए, यहां हो जाएगा आई ए आई जीरो, फिर हो जाएगा यहां पे आई ए आई जीरो, और यहां पे हो जाएगा आई ए आई जीरो और आई जीरो। परिस्थिति क्या होगी, पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होगा, ए वाला तो ए होगा, ए भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो तीन यानी ए ब्लड ग्रुप होगा और पॉसिबल में ओ भी ब्लड ग्रुप होगा, ये ओ वाला ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। अगर बात रेशियो की करेंगे तो, अगर रेशियो की बात करेंगे, रेशियो की बात, तो रेशियो में 25-25-25, 75% आपका ए ब्लड ग्रुप होगा और 25% आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल कौन होगा, इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होगा, इम्पॉसिबल का मतलब जो ग्राफ में नहीं आ रहा है, कौन सा, बी, कौन सा नहीं आ रहा है, बी और ए बी। इस तरह से मेरे कहने का मतलब था कि अगर पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप दोनों का ए ए है, और ये भी देखना है कि होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब कि दोनों जीन डोमिनेंट एक जैसे होंगे, होमोजाइगस इसमें भी और इसमें, इस परिस्थिति में एक होमोजाइगस होमोजाइगस, फिर दूसरे में होमोजाइगस हेटरोजाइगस, फिर तीसरे में हेट्रो हेट्रो दोनों रहेंगे, तो ग्राफ की कंडीशन ये होगी, ठीक है। ये था आपका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें कितने ग्राफ निकले, तीन ग्राफ निकले, ठीक है ना। अगर आपको इसी तरह से सभी ग्राफ निकालने हैं तो आप बेझिझक इसको भी आप होमो और हेट्रो करके, इसको भी आप होमो और हेट्रो करके निकालेंगे तो चार ग्राफ निकलेगा,
इसमें क्योंकि आई ए आई बी होगा, इसको आप एक बार होमो एक बार हेट्रो करेंगे, ये अस्थाई होगा, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे दो ग्राफ निकलेंगे। ओ में आई जीरो कंडीशन होती है, तो इसमें भी वही कंडीशन आपकी आएगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें आप इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा कि जो आपका ये ब्लड ग्रुप है इसमें बस आपको बस होमोजाइगस हेटरोजाइगस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको ग्राफ निकालने में किसी तरह की कोई परेशानी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका हो गया ए वाला मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मान के चलिए कि जैसे मेल है, ठीक ना, तो मेल हो गया ब्लड ग्रुप ए और इधर फीमेल है, ए भी ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब मान के चले कि ए वाला क्या है, होमो है, होमो, ये भी क्या है, होमो है। क्या कंडीशन होगी बाबू, ये होगा आई ए, ठीक है, और यहां पे होगा आई बी और आई बी होगा, ठीक है ना, दोनों का ग्राफ निकाल लिया। अब करेंगे क्या, इनको मिला दीजिए, मिलाएंगे तो सीधा आएगा ऐसे, ठीक है, मिला लेंगे। अब यहां पे आ जाएगा आई ए और आई बी, आई ए आई बी, मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप का कोडोमिनेंस बताया था वो यही नियम है, आई ए आई बी और आई ए और आई बी होगा। अब आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस परिस्थिति में पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी, इम्पॉसिबल कौन होगा, ए बी ओ, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ जब आप निकालेंगे, मान के चलिए जैसे मेल हो गया ब्लड ग्रुप ए, फीमेल है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये होमोजाइगस है, होमो है ए वाला ब्लड ग्रुप, और ये वाला क्या है, हेटरो है, तो ग्राफ क्या निकलेगा, आई ए आई ए, ठीक है, दोनों में। यहां क्या होगा, आई ए सॉरी आई बी और आई जीरो, ठीक। अब निकाल लीजिए ग्राफ, आप ऐसे निकालिए, इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आई ए आई बी, आई ए आई जीरो, आई ए आई बी, आई ए आई जीरो। इसका मतलब हो गया कि आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ई आई ए आई जीरो ब्लड ग्रुप ए होगा, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, आई ए आई जीरो ब्लड ग्रुप ए होगा। कंडीशन क्या होगी, पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए बी और ए दोनों होंगे, ए और ए बी। इम्पॉसिबल में क्या होगा, ए, इम्पॉसिबल में क्या होगा, बी और ओ होगा। अगर तीसरी परिस्थिति अगर आपको जाननी है तो तीसरी परिस्थिति ऐसे मान लीजिए, समझ लीजिए जैसे मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है और ये बी है। अब इसको आप क्या करेंगे कि आप इसको हेट्रो कर देंगे, हेट्रो कर देंगे, और इसको आप क्या करेंगे, होमो कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि एक बार दोनों को होमो किया, फिर इसको हेट्रो किया, होमो किया, इसको हेट्रो कर दिया, अब इसको होमो इसको हेट्रो करेंगे, इसको हेट्रो आपने किया, इसको होमो किया, तो क्या हो जाएगा, आई ए आई जीरो, आई बी और आई बी रहेगा, ठीक है। अब इस परिस्थिति में अगर आप क्रॉस कराएंगे, इस परिस्थिति में अगर आप क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा बाबू, देखो, हालांकि थोड़ा सा यहां पे इसको आई ए आई जीरो हम थॉट में छोटा लिख देते हैं, ठीक है, देखो ये आएगा इस तरह से मिलाया जाएगा,
ठीक है, आई ए होगा और आई बी होगा, आई ए होगा आई बी होगा, आई बी होगा, यहां पे देखिएगा आई बी होगा और आई जीरो, फिर यहां पे होगा आई बी और आई जीरो, ये होगा ब्लड ग्रुप ए बी, सॉरी बी, और ये भी बी और ए बी और ये भी होगा ए बी। इसका मतलब कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा और बी होगा, ठीक है ना, बी होगा। इम्पॉसिबल में क्या होगा आपका, ए और ओ होगा। चौथा ग्राफ समझिएगा, जो चौथा ग्राफ समझना है, मेल ए फीमेल बी, ए बी हेट्रो और ये भी हेट्रो, ठीक, आई जीरो आई ए आई जीरो, यहां पे आई बी आई जीरो, ठीक। अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए, ये हो जाएगा आई ए आई बी, ये हो जाएगा आपका आई ए आई जीरो, ये हो जाएगा आई बी आई जीरो और ये हो जाएगा आई जीरो और आई जीरो। इसका मतलब कि बेटा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये होगा ए बी, यानी पॉसिबल में क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा पॉसिबल में, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। जब मदर और फादर दोनों ब्लड ग्रुप ए बी हो और दोनों हेटरोजाइगस होंगे तो बच्चे में ए बी ए बी ओ चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहेगी, लेकिन कितने कितने परसेंट रहेगी, 25% की उम्मीद है कि ये आएगा, चाहे 25% ही आएगा, क्योंकि चार हैं 25 चौकस। अब बाबू आपको यही समझना है कि इसी तरह से जैसे मैंने अभी 3 निकाला फिर 4 निकाल दिया, 7 ग्राफ हो गए। अब इसी तरह से अगर आप जिसका भी ग्राफ चाहे निकालना, उसका ग्राफ बहुत आसानी से, बहुत हल्का है, आप आसानी से चाहे तो किसी का ब्लड ग्रुप निकाल सकते, ठीक है। जैसे अगर आपको ये समझना हो, तीसरा जो ब्लड ग्रुप निकालने वाला प्रोसेस है, ठीक है, जो तीसरा ब्लड ग्रुप है उनको और उसको भी निकालना है तो उसका भी वही तरीका होगा, आसानी से आप एक बार हेट्रो होमो करके निकाल लेंगे ग्राफ इसका। तो तीसरा जो कंडीशन है मैंने बता दिया आपको, पहला वाला 3 और दूसरा वाला 4। अब आपको तीसरा बता रहे हैं, तीसरे में क्या होगा, जैसे मेल है, ठीक है ना, तो मेल में हो गया ब्लड ग्रुप ए और एक फीमेल है, फीमेल इसका हो गया ए बी, ए बी को रहने दीजिए, इसको बना दीजिए एक बार होमो, तो होमो बनाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, आई ए आई ए, ठीक है, आई ए हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, इसका जीनोटाइप आई ए और यहां पे हो जाएगा आई बी, ठीक है, ग्राफ बना दीजिए और उसके बाद इनको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आई ए आई ए आई ए आई बी, ये हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए ए बी ए ए बी, ठीक। 50% आपका ए होगा, 50% आपका बी होगा। पॉसिबल में मतलब संभावना कौन सी रहेगी बच्चे में जाने की, ए और ए बी रहेगा और ए रहेगा। अब 50% संभावना क्या होगी, ए की होगी और 50% ए बी की होगी, ठीक है ना। इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी और ओ होगा। दूसरा इसी का ग्राफ आप बनाएंगे, मान लीजिए कि मेल है और एक फीमेल है, अगर इसका आप बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे क्या, ए ब्लड ग्रुप हेटरो कर दीजिए,
हेटरो कर दीजिए, और बाकी यहाँ पे ए बी है ही, तो इसका जीनोटाइप बनेगा ए और बी, इसका जीनोटाइप बनेगा आई ए आई जीरो। ठीक, ग्राफ निकाल लीजिए, ऐसे ग्राफ निकाल लीजिए, ठीक है, ग्राफ निकाल लीजिए इसका। अब ये क्या हो जाएगा, आई ए आई ए आई ए आई बी, ठीक, उसके बाद आई ए आई जीरो आई बी आई जीरो, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी, ये होगा ए, ये होगा ए बी और ये होगा ए। ठीक, इसका मतलब हो गया आपका कि जो ये कंडीशन आपकी आएगी पॉसिबल की, पॉसिबल में ए भी आएगा, ए बी भी आएगा और बी भी आएगा। इम्पॉसिबल यानी जो नहीं आएगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बात रेशियो की करेंगे, ए होगा 25%, सॉरी ए होगा 50% और उसके बाद बी होगा 25% और ए बी कितना होगा 25%, ठीक है ना। ये अगली कंडीशन जाएगी, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप ए कंडीशन। उसी तरह से जस्ट आप इसका भी निकाल लेंगे होमोहेट्रो करके, उसके बाद इसमें आपका तीन ग्राफ बनेगा जैसा इसमें बने थे, एक बार दोनों को होमो, एक बार दोनों को हेट्रो और एक बार एक को हेट्रो एक को होमो बना लेंगे। यहां पर वही कंडीशन निकलेगी जैसे इसकी निकली थी, यहां पे वही कंडीशन जिसकी ऐसे निकली थी जैसा मैं सामने दिखा रहा हूं आपको, इसके एक ही ग्राफ बनेगा क्योंकि आई बी होगा आई ए होगा आई ए आई बी आई ए आई बी एक ही बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं है। इसमें भी वही कंडीशन आई जीरो होगा, उसके बाद आई ए आई बी होगा, यहाँ पे आई जीरो आई जीरो टोटल ब्लड ग्रुप एक होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, अगर इसके बाद भी अगर कोनो लफड़ा या कोनो दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी लिखिए और मेरे हिसाब से इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और प्रीवियस वीडियो जिसकी है आपका लेक्चर नंबर 2 जो आपका है वो लेक्चर नंबर 2 आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से कोई लफड़ा नहीं होगा आपको ब्लड ग्रुप निकालने में ब्लड ग्रुप समझने में, समझ रहे हैं। लेकिन आपका आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो ग्राफ नंबर 1 है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेंगे तो ये अपने धड़ा के निकल जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर इतना के बताने के बावजूद अगर नहीं समझ में आएगा तो समस्या है आप कि आप थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद बताया करिए, जैसे कमेंट कर दीजिए कि नहीं सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई क्या दिक्कत है। तो कोशिश करेंगे कि जो मैं 1, 2, 3 तक बताया हूं ये पूरा बता दूंगा, क्योंकि 9 ग्राफ मैंने बता दिया है और 12 ग्राफ मुझे और बताने हैं, तो 12 ग्राफ मैं और भी बता दूंगा। इसका आसान है, सबके आसान है, कुछ करने नहीं है, बस ट्रिक समझना आपको। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होता क्या है, जीनोटाइप है, आप इसको आसानी से समझ लेंगे तो लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस है कि माई बाप का जो ब्लड है वो बच्चे में कैसे जीनोटाइप के माध्यम से जाता है, कौन सा ब्लड जाने की संभावना किस कंडीशन में होती है और कौन सा ब्लड नहीं जाएगा, कौन सा ब्लड जाएगा, इन तमाम सभी बिंदुओं के साथ कि आप समझ पाए होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समझे पढ़े और नोट्स अपना बना रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और किसी तरह की कोई लफड़ा किसी तरह की कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है और आपके हिसाब से भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप से उम्मीद है आप बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को आगे चलते रहिए लेकर के। आने वाले जितने भी एग्जाम्स आपके हैं, जो भी बीएससी का एग्जाम होगा या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम है, फिलहाल मैं बीएससी में बीएससी की आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो बीएससी एग्जाम शुरू होने से पहले जनवरी में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की शंका या किसी तरह का आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।